ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थाकृति वाला देश है। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि भारत जो है अलग अलग स्थलाकृतियों यानी कि स्थलों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यानी इस कहने का मतलब है कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक के विशाल फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। ये सब क्या है? अलग अलग स्थल वाले देश हैं। ठीक है, अलग अलग यानी कि अलग अलग स्थल वाले जगहों का नाम है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे पर्वत होते हैं, मैदानी में जो बहुत खाली क्षेत्र होता है, दूर दूर तक कुछ नहीं होता, वहाँ उसको मैदानी वाला क्षेत्र बोलते हैं। मरुस्थल जहाँ रेत ही रेत होता है उसको मरुस्थल बोलते हैं। और बहुत इलाका जो होता है जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है? पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और ये द्वीप समूह भी होते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए क्या है? भारत की भूमि जो है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर का प्राचीनतम भाग है। क्या है? भूगर्भीय तौर पर इनकी प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का एक प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? पृथ्वी की सतह का एक प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। क्यों? परंतु हाल में भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। पहले क्या था? प्रायद्वीपीय पठार को एक स्थिर भाग माना जाता है, लेकिन कुछ समय पहले भूकंप ने इसको गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां है। हिमालय और जो उत्तरी मैदान है, ये है हिमालय, ये है हमारे हिमालय, और ये सब है उत्तर। इसमें जो बुक में होता है या कॉपी में हम लोग किस कैसे दर्शाते हैं, जो होता है जैसे कि हमारे कॉपी में होता है ऐसे, ये उत्तर, जो ऊपर वाला रीजन होता है उसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का रीजन होता है उसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। और ये हो गया हमारा पश्चिम, और ये हो गया पूरब। तो जो इधर का भाग होगा वो क्या होगा? सब उत्तरी मैदान होगा इधर। इसलिए ये इधर क्या है? इधर ये हिमालय वाला क्षेत्र है और इधर उत्तरी मैदान है। ठीक है, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल में भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। किसको? प्रायद्वीपीय पठार को। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं, यानी हिमालय और ये जो हिमालय है और जो उत्तरी मैदान है, ये अभी हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगोल वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। जो भूगर्भ वैज्ञानिक है उनके अनुसार जो हमारा हिमालय पर्वत है एक अस्थिर भाग है। क्यों अस्थिर भाग है? क्योंकि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। जो हमारा हिमालय है उसमें क्या है? उच्च शिखर है, गहरी गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ ये सब हिमालय है, हिमालय का क्षेत्र है। इसी यहीं से क्या निकल रही है? ऐसे गंगा नदी निकल रही है, घाघरा नदी निकल रही है, गंडक नदी निकल रही है, कोसी नदी निकल रही है, और इधर से क्या है? इधर से हमारी ब्रह्मपुत्रा भी नदी भी निकल रही है। उत्तरी मैदान
जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जो ये हमारा जो उत्तरी मैदान है, ये जो हमारा उत्तरी मैदान है वो किस चीज से बना है, जलोढ़ निक्षेपों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि जलोढ़ जो जो हमारी नदियाँ होती है वह अपने पानी के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी को भी साथ में बहा कर लेके चली जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। जो हमारा आग्नेय और रूपांतरित शैल है वो कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से मिलकर बना है। कैसे बना है, प्रायद्वीपीय पठार अग्नि तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से मिलकर बना है। ठीक है, मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला भी है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है। यानी तटीय मैदान किसको कहते हैं, तटीय मैदान जो हमारे नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है उसको तटीय मैदान कहते हैं। और द्वीप समूह किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उनको बोलते हैं द्वीप समूह। और भारतीय मरुस्थल जो मरुस्थलीय इलाका होता है उसको भारतीय मरुस्थल कहते हैं। वैसे देखिए हिमालय के क्षेत्र को हिमालय पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए हिमालय के क्षेत्र को आप लोग देख पाएंगे, यहाँ कहाँ से है, ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख, और यहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत क्या है, अब हम लोग आगे हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। क्या है, भारत की उत्तरी सीमा पर, ये क्या है, भारत की उत्तरी सीमा किधर है, जम्मू कश्मीर की तरफ, लद्दाख की तरफ। विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये क्या है, जो पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है, वो पश्चिम पूर्व किधर है, पश्चिम पूर्व इधर, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये जो हमारा हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। कौन, जो ये हमारा हिमालय पर्वत है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। कैसे कर रही है, एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, यानी कि जो हमारा हिमालय है इसकी चौड़ाई सिर्फ कश्मीर में 400 किलोमीटर है। ठीक है, एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई, ये जो हमारा पश्चिमी भाग है, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। यानी पश्चिम क्षेत्र के अलावा पूर्वी भाग में क्या होती है, बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं। यानी कि हम पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को लगभग तीन भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। यानी कि जो अलग अलग भागों में हम लोग हिमालय को बांटेंगे तो उसमें क्या होगा, एक जो भाग होगा उसमें क्या होगा, इस श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। सबसे जो उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है उसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ये क्या है, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिससे 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, जिसमें क्या है 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सबसे अधिक ऊंचे शिखर है वहां।
पे, ठीक है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, जैसे कि हिमालय के कुछ, आइए हम लोग हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर के नामों के बारे में जानते हैं। ये शिखर है अल्पस, और ये उसकी ऊंचाई कितनी है शिखर का, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8848, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई नेपाल में 8848 मीटर है, और कंचनजुंगा जो कि हमारे भारत में है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, और मकालू पर्वत जिसकी, ये भी कहाँ है, ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई नेपाल में कितनी है, 8481 किलोमीटर, 81 मीटर सर। धौलागिरी जो है, धौलागिरी शिखर जो, वो ये भी कहाँ है, नेपाल में, और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। ये जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत कहाँ है, नंगा पर्वत भारत में है और इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है, नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। सॉरी, नंदा देवी जो है, नंदा देवी भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। और कॉमेट पर्वत, इसकी, यह कहाँ स्थित है, यह भी भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। और नामचा बरुआ, नामचा बरुआ ये भी कहाँ स्थित है, ये भारत में स्थित है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर। गरुला मंधाता, ये कहाँ है, नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है, ठीक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, क्या है, महान हिमालय जो है इसकी वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है और इस महान हिमालय का जो वलय की प्रकृति सममित है और इसका भाग किस चीज का बना है, क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, यह श्रृंखला किस से ढकी रहती है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है और इसी से ऊपर क्या होता है, बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम्य है, हिमाद्री में दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है सबसे अधिक कहाँ है, असम में है, ठीक है। एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, इस श्रृंखलाओं का निर्माण किसी से हुआ है, अत्यधिक संपीडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर है और तीन हजार सात सौ मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, क्या है, पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, इनमें कुछ ऐसी भी श्रृंखलाएं जिनका नाम है धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है, क्या स्थित है, इसी श्रृंखला में, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला तो महत्वपूर्ण है और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित है, ठीक है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र को किसके लिए जाना जाता है, पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला होती है उसको शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा 900 से 1100 मीटर के बीच है, ठीक है। किसकी चौड़ाई, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला की जो जिनको शिवालिक कहा जाता है उनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं
उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई हैं। ये जो श्रृंखलाएं हैं कहाँ से लाई गई हैं? हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई हैं। असंपीड़ित अवसादों से बनी है ये घाटियां, बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। ये जो घाटियां हैं किस चीज से ढकी हुई हैं? बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ठीक है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो नीचे वाला हिमाचल और जो शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस चीज के नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध दून भी हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया एवं पाटली दून हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को ये वाला क्या है? ये हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है, आप लोग देख पाएंगे अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस हिमालय को उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। किसके आधार पर विभाजित किया गया है? उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। किसको? हिमालय पर्वत को। ठीक है, इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय है उसको हम लोग किस चीज के नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ओके, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच, किसको? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित जो हिमालय है उसको हम लोग किस चीज के नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तिस्ता नदियां क्या है? काली और जो तिस्ता नदी है, नेपाल हिमालय एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ठीक है, काली तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। अब आप लोग इतना सब कुछ जान गए तो आप लोग हिमालय के कुछ नाम, क्षेत्रीय नाम को अच्छे से पता भी कर पाएंगे। जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी क्या होती है? सीमा बनाती है दिहांग महाखंड, जिसको हम लोग गार्ज भी कहते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। इनको किस चीज के नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये पहाड़ियां किधर से होकर गुजरती हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी है। ये घने घने जंगलों से ढकी हुई है। किस चीज से ढकी हुई है? घने जंगलों से ढकी हुई है। अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। इनमें कौन कौन सी पहाड़ियां और शामिल है पूर्वांचल में? पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियां भी शामिल है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो
क्या है? उत्तरी मैदान। देखेंगे कि उत्तरी मैदान में क्या क्या है। अब उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणाली यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्रा नदी तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान किसी से मिलकर बना है? सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्रा तथा इनकी और जो सहायक नदियां हैं इनसे मिलकर बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। और किसी से मिलकर बना है? जो उत्तरी मैदान है हमारा, जलोढ़ मृदा से मिलकर बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, जिसको हम लोग बेसिन को क्या बोलते हैं? बेसिन को द्रोणी भी बोलते हैं। ठीक है, लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हो गया। कैसे हुआ इसका निर्माण? जब लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, इसके फलस्वरूप इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, इसका विस्तार जो हमारा उत्तरी मैदान है, इसका विस्तार कितना है? 7,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। ठीक है, यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कितना जो हमारा उत्तरी मैदान है वो कितना लगभग कितना किलोमीटर लंबा एवं चौड़ा है? तो 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। जो हमारा उत्तरी मैदान है वो क्या है? सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। क्यों यह अधिक उत्पादक क्षेत्र है उत्तरी मैदान? क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समृद्ध मृदा आवरण है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। क्या है? समृद्ध मृदा आवरण है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है एवं अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ यह क्या है? कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र वाला देश। ठीक है, उत्तरी में पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। जो उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वतों से आने वाली जो नदियां हैं उन्हें निक्षेपण कार्य में लगी हैं। ठीक है, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण, जो नदी का निचला भाग है उसमें ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। कैसे नदी द्वीपों का निर्माण होता है? तो उत्तरी पर्वतों से आने वाली